हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, एजाज़ खान की ज़िंदगी से जुड़ा एक ऐसा सच जिसको सोचकर आज भी वो सहर उठते हैं, आज भी घबरा जाते हैं, और जिसकी बातें बिग बॉस में भी हुई। क्या है पूरी बात, हम आपको बताते हैं। 2011 में एजाज़ खान के साथ ये सब कुछ घटा। एक्चुअली उनकी ज़िंदगी में आई एक लड़की जिसके साथ वो रिलेशनशिप में रहे। दोनों का रिलेशनशिप अच्छा जा रहा था, सब कुछ ठीक था काफ़ी टाइम तक। लेकिन जब चीज़ें बिगड़ी तो एजाज़ खान ने उस लड़की से अलग होना चाहा और फैसला किया कि अब हम लोग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग हो जाते हैं। लेकिन चूँकि वो लड़की अलग नहीं होना चाहती थी तो उसने पुलिस कंप्लेंट फ़ाइल कर दी एजाज़ खान के ख़िलाफ़। और पुलिस कंप्लेंट फ़ाइल की तो इस तरह की कि मेंटल टॉर्चर किया गया, और इसके अलावा जो है उनकी हेल्थ पर इससे फ़र्क पड़ा, मारपीट की गई, यहां तक कि उन्होंने कुछ और एलिगेशंस लगाए जिसमें जो एलिगेशंस थे वो कुछ इस तरह के थे कि उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी की भी कोशिश की गई। ये सारे तरह के आरोप लगे। इस पर एजाज़ खान के घर वाले यानी उनके पिता और उनके भाई का भी नाम आने लगा और उनका भी नाम लिया, उन्हें भी बीच में खींचा गया। और इसके चलते एजाज़ खान को 2011 में मुंबई छोड़कर जाना पड़ा। काफ़ी समय वो मुंबई से दूर रहे। फिर एजाज़ खान आगे बताते हैं कि ये केस तब सॉल्व हुआ जब उस लड़की ने खुद सॉल्व किया, मुझसे घर पर बैठ कर सॉर्ट आउट किया। और जब वो हमारे घर से गई तो हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा था, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा था। इनफैक्ट वो मेरे पेट्स भी ले गई। जब मैंने उससे कहा कि मेरे पेट्स मुझे दे दो, बहुत प्यारे हैं मुझे, तो उसने कहा तभी मैं तुम्हें नहीं देना चाहती हूँ। यानी वो मुझसे इतना ज़्यादा, उसको ग्रज था, इतना ज़्यादा चीज़ें थी कि वो मुझे मेरे डॉग्स, मेरे पेट्स तक लौटाने को तैयार नहीं थी। हालाँकि बाद में वो मेरे पास आ गए। तो इस तरह से एजाज़ खान की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा उनको अंदर से डरा गई है, जिसके कारण वो थोड़े से डरे सहमे और अपने आप को दबा हुआ सा महसूस करते हैं, जिसकी बात उन्होंने सिद्धार्थ शुक्ला से की। और सलमान खान ने उन्हें समझाया कि यहाँ हम आपके साथ हैं और आप खुल के जो है सही और गलत के लिए खड़े हो सकते हैं। वेल, ये थी एजाज़ खान की पूरी स्टोरी। और आगे आप इसी तरह से कोई और स्टोरी देखना चाहते हैं, कुछ किसी और के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप आगे भी बिग बॉस और सडनाव से जुड़ी हर एक खबर को देख पाएँ। टिल देन, बाय बाय।